गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे मैं दूध को बॉयल कर रही हूँ और इस समय इवनिंग के बज रहे हैं 6:30। तो मैं आपसे अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम के 6:30 बजे से। तो यहाँ पे भी मैंने चाय नहीं बनाया था, तो जस्ट मैं आई हूँ किचन में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा दूध को गर्म कर लूँ। और वैसे भी थोड़ा मौसम ठंडा हो चुका है, तो दूध की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि दूध बिल्कुल भी नहीं फटता। क्योंकि गर्मी होती है तो भी डर लगता है, तो एक टाइम मैं दूध को बॉयल ज़रूर कर देती थी, और अब क्या करती हूँ हल्का सा गर्म कर देती हूँ तो भी दूध सही का सही रहता है, बिल्कुल भी नहीं फटता है। और आप समझ सकते हैं इस समय ठंड शुरू हो रही है, हल्की हल्की ठंड लगना शुरू हो गई है, तो उतनी भी नहीं लग रही है, मतलब हल्की हल्की। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पे आलू को मैं छील रही थी, और तो यहाँ पे मैं जल्दी से सोच रही हूँ सब्जी बना लेती हूँ। और तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ, सबको दे देती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। तो चाय हम सब ने पी लिया और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैं कुकर में ही बनाऊँगी, जल्दी से मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा वीडियो शूट करना है, आप सबको कुछ चीज़ शेयर करनी है। मैंने ऑर्डर किया था मीशो से, तो बस यहाँ पे मैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। वैसे आप सबको मेरा ये गैस चूल्हा कैसा लगा आपने बताया नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, मैं वेट करूँगी आप सबके जवाब का। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे ये चूल्हा लेने के लिए, और हम लोगों ने ले भी लिया, और फाइनली आज बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए क्योंकि हमारे यहाँ ओवन आया है। तो आज का डेट मैं आप सबको बता देती हूँ, आज है 29 अक्टूबर, और जो आज का दिन है वो है थर्सडे। तो ये मतलब 29 अक्टूबर का ब्लॉग है, आप सबको मैं शेयर करूँगी, आज जाएगा या फिर कल जाएगा, देखिए जैसा टाइम होगा मैं एडिट करके आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। और मेरे चैनल पे ना मेरा वीडियो है पिछली दिवाली का भी है, आप देखिएगा। पिछली दिवाली में हम लोगों ने लिया था ड्रेसिंग टेबल, और इस दिवाली पे हमारे यहाँ आया है ओवन। तो अब ऐसा हो जाता है कि हर दिवाली पे कुछ न कुछ सामान हमारे यहाँ ज़रूर आ जाता है, लक्ष्मी जी की कृपा बरस जाती है, और हर दिवाली पे हमारे यहाँ एक सामान ज़रूर आता है और वो बहुत शुभ होता है। तो इस बार ओवन आया है, हमारे यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं। तो देखिए अब जब उसको ओपन, अभी आज मैं आपको ओपन करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी हम लोग सेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कंपनी से ही आएगा, बताएगा किस तरीके से क्या है कैसे सेट करना है, तो वो वही बताएगा। तो वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी कहाँ मतलब किचन में किस जगह हम लोग को उसको सेट करवाना है वो भी समझना पड़ेगा, और वहाँ पे पावर पॉइंट भी लगवाना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम उसको ओपन करेंगे, उसका मतलब पूजा भी करेंगे, तो सब आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ा अच्छी तरीके से। तो यहाँ मैं श्रीयम के साथ खेल रही थी थोड़ा बहुत, उसको सुलाने आई थी, तो वो जब सोने जाती है थोड़ा बहुत खेलती ही है। तो बस यहाँ पे मैं जा रही थी सुलाने, और डिनर हम सब ने कर लिया था। तो चलिए मिलते हैं आप सबको थोड़ी देर बाद। अभी जस्ट हम रूम में, मतलब मैं गेस्ट रूम में आई हूँ, अपने रूम में नहीं गई हूँ क्योंकि मैंने स्टीव को सुला दिया है। जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है रात के 11। तो मुझे अभी आप सबके साथ बहुत ही ज़रूरी चीज़ शेयर करनी है। मैंने मीशो से लहंगा ऑर्डर किया था दिवाली के लिए, मेकअप के लिए, और दिवाली में पहनने के लिए, दिवाली का भी काम हो जाएगा और हमारा मेकअप भी हो जाएगा। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर दूँ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ओवन आया है, और बहुत दिन से हम लोग सोच भी रहे थे लेने के लिए, लेकिन अचानक हम लोग लेना दिवाली पे ही चाहते थे, बट चाहे पहले आए या फिर दिवाली पे आए, बात एक ही है। तो ओवन हम लोगों ने ले लिया है, और मैंने सोचा कि आप सबके साथ कर दूँ शेयर। तो अभी हमने ओवन को ओपन नहीं किया है, ओपन हम करेंगे कल, और सेट भी जब होगा तब हम कल ही करेंगे और आप सबके साथ शेयर करेंगे। अभी उसकी पूजा भी करनी है, तो बस सब कुछ करके दिखाएंगे आप सबको।
तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है वहाँ से, मीशो से। और सच्ची में इस समय बहुत अच्छे अच्छे लहंगे उस पर आ रहे हैं मीशो पे, बहुत अच्छे ज्वेलरीज आ रहे हैं। तो एक ज्वेलरीज, एक मैंने अपना नेकलेस भी ऑर्डर किया था, वो भी आ चुका है। तो बस अब मेकअप वीडियो आप सबके पास बहुत जल्द आने वाला है, आज नहीं तो कल मैं ज़रूर बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए लगाती हूँ अपने फ़ोन को ट्राइपॉड पे और आप सबको, मतलब आप सबके साथ सो शेयर फ्रेंड्स, करूँगी। तो मैं अब बैठ चुकी हूँ और आप सबके साथ अब मैं शेयर करने वाली हूँ जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। तो मैं पहले दिखा देती हूँ आप सबको, ये देखिए ऑर्डर किया था, ये जस्ट कल ही आया है। तो ये मैं भी आपको ओपन करके पूरा दिखाती हूँ, मतलब नेकलेस। तो सबसे पहले मैं आपको नेकलेस दिखा देती हूँ मीशो का। तो ये मैंने ओपन कर दिया था, मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मुझे इसकी पैकिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से वो लोग पैकिंग करके देते हैं। तो जो नेकलेस है कुछ इस तरीके से है, ये देखिए बहुत प्यारा है ये। कि कितना प्यारा लग रहा है, इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। ये कुछ इस तरीके से है और इसमें मरून और ये वाइट मोतियाँ लगी हुई हैं, प्यारा। और इसका जो इयररिंग्स हैं उसको भी मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, जो सेट है और ऑर्डर कर लूँ। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा है। और जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो इसको पहनूंगी और मैं बहुत जल्द आप सबके, बहुत जल्द क्या, मैं पहले तो करवा चौथ मेकअप लुक आप सबके पास एक जाएगा अभी। आप सब बताइएगा कि ये नेकलेस आप सबको कैसा लगा। और अगर आप मीशो के थ्रू मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उस पर इस समय बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरीज आ रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं। आपको लहंगा लेना है या साड़ियाँ लेनी है। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं बहुत दिन बाद आप सबसे बातें कर रही हूँ। जी हाँ, बीच में तो तबीयत ही ख़राब थी और फिर उसके बाद मुंडन वगैरह का काम, मतलब कार्यक्रम शुरू हो गया, उसकी वजह से फिर आप सबसे बातें नहीं हो पाई। हाँ, तो ये देखिए इसमें ये नीचे की साइड वाइट मोतियाँ लगी हुई हैं ये, और ये जो बीच में मरून कलर का और फिर उसके ऊपर वाइट कलर के नग लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे ये पूरे, ये आपको इसमें रेड दिख रहा होगा मतलब वीडियो में, लेकिन ये पूरा ये मरून है, पूरे मरून कलर का है। और बाकी ये जो ऊपर पतले सीप की मोतियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ पे ये देखिए वाइट कलर के नग लगे हुए हैं, और एकदम बहुत ज़्यादा मजबूत। दिवाली में पहन सकते हैं, गोद भराई में पहन सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत, आप, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी आप ज़रूर मीशो से ऑर्डर करिए चीज़ें। तो इसको मैं रख लेती हूँ और आप सबके साथ लहंगा शेयर करती हूँ। तो ये रहा लहंगा, और ये जो लहंगा है ये ब्लू कलर का है। और ये आपको पहले, मैं सबसे पहले लहंगा दिखा देती हूँ, ये देखिए। और लेंथ में इसकी बहुत अच्छी है, और इसका जो ये बॉर्डर है ये देखिए पूरा बनारसी लुक दे रहा है। ये देखिए ये पूरा बनारसी लुक दे रहा है। और कैसा लग रहा है आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। ये देखिए अभी मुझे इसे फिटिंग कराना है, तो किसी दिन जाऊंगी फिटिंग कराने के लिए। ये रहा लहंगा, बहुत प्यारा है, ये पूरे ब्लू कलर का है, ये देखिए। और मुझे तो इसका ये बॉर्डर बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखिए। तो ये रहा लहंगा, और मैं आपको खड़े होकर दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके का लहंगा रहेगा। वो ब्लाउज दिखाती हूँ, तो ये रहा लहंगे का ब्लाउज, और ये भी सीधा सिलाया हुआ है, मुझे सिलवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे फिटिंग कराना है। ये देखिए ये पूरे गुलाबी कलर का है, ये देखिए मतलब रानी कलर का है, मतलब एकदम डार्क रानी नहीं है, जो मुझे पसंद है वो वाला रानी, क्योंकि दो कलर के रानी कलर होते हैं।
ये देखिए बहुत ही प्यारा ब्लाउज है और ये बहुत ही मजबूत ब्लाउज है। ये देखिए उसके बैक साइड देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही अच्छा है ना। इसके अंदर बाजू भी अगर मुझे लगवाना है तो मैं बाजू भी लगवा लूंगी। तो ये रहा मेरा ब्लाउज, इसको मुझे करना है फिटिंग, मतलब करवाना है फिटिंग। वो दिखाती हूँ, ये देखिए इसको देख के लगता है ना कि मैं कोई मैं ये इसको देख के लगता है कि किसी सूट का दुपट्टा है, बनारसी है ना। ये देखिए बहुत प्यारा इसका दुपट्टा है, मेरे घर में सबको बहुत अच्छा लगा और ये काफ़ी बड़ा भी है। ये देखिए काफ़ी बड़ा दुपट्टा है और अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। कलर इसका बहुत अच्छा कलर है। तो बस यही मैंने ऑर्डर किया था, तो ये आप सबके साथ शेयर करना बाकी था तो मैंने कहा कि चलो शेयर कर देती हूँ। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे चैनल पर नए हों वो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।